कैसे हैं आप लोग? और यहाँ पे देखिए, अभी मेरे साथ कौन है? मेरे साथ इंदुमती है। और इंदुमती का जो है ना, कल थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था ना। हाँ, अभी ठीक है इंदुमती। तो बच्चे का तो यही होता है। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का दिन है मंगलवार, और आज जो है ना, मैं अभी से अपना दिन स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मेरा पूजा वगैरह हो गया है, कपड़ा भी डाल दी हूँ छत पे, और अभी जो है ना, मौसम एकदम बारिश वाली बनी हुई है कि बारिश होने वाली है ऐसा है। फिर भी कपड़ा तो धोना ही है, डाल भी दी हूँ छत पे। सूखेगा बहुत कम चांस है कि मेरा आज कपड़ा सूखेगा, क्योंकि सारे कपड़े जो है ना हैंड वॉश वाले हैं, तो वो शायद ही सूखेंगे। कहाँ चली गई इंदुमती? और आप लोग के साथ एक प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, और जिसको मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ, तो वो क्या है तो मैं सोची आप लोग को भी दिखा देती हूँ कि हो सकता है अगर आप लोग को भी ज़रूरत है तो आप लोग भी इसको ले सकते हैं। कई बार होते हैं ना कि हम लोग देखते हैं बट ले नहीं पाते हैं, कि पता नहीं ये अच्छा होगा नहीं होगा, इसके हिसाब से। तो मैं मंगाई हूँ तो वो मैं दिखाती हूँ आपको, है ना इंदुमती? दिखाओ, निकालो, ये देखिए ये है, और दिखाती हूँ मैं, निकाल लो। इंदुमती बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसको देख कर। मुझे नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग तो बोल दो सबको एक बार, गुड मॉर्निंग तो बोल दो। मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? ये देखिए, ये है मैं कान वाला लगते हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये डब्बा इयररिंग्स रखने के लिए है, काफी अच्छा है। एक मिनट, ये देखिए, और बहुत ही अच्छा है। और ये भी साइड में मतलब कि बनाने वाला दिया हुआ है कि आपको जितना बड़ा का जरूरत है उतना बड़ा आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छा है ऐसे बनाने वाला, जितना बड़ा बड़ा आपको चाहिए ना उतना बड़ा आप इसमें बना सकते हैं। अगर आप लोग भी मेरे तरह आर्टिफिशियल इयररिंग के शौकीन है ना, तो आप लोग इसको ऑनलाइन जरूर खरीदिएगा। तो मैं इसमें जो है ना रखूंगी सारा इयररिंग, जितना भी है ना मेरे पास, सारा इसी में रखने वाली हूँ। और मैं सोच भी रही हूँ कि एक दिन इयररिंग हॉल भी बनाने वाली हूँ, कि मेरे पास कैसा कैसा इयररिंग है, तो उसका भी मैं बनाऊंगी, तो इसमें भी रखूंगी। और बहुत एक्साइटेड भी है कि इसमें सारा मेरा इयररिंग भी आ जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और सबसे बड़ी बात है ना कि इसको आपको खुद से बनाना है, मतलब आपको बड़ा वाला इयररिंग रखना है तो आप दो खल करके बना सकते हैं। यहाँ पे गैपिंग दिया हुआ है, तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसा बना सकते हैं। तो मैं सोची कि आप लोग के साथ भी इसको शेयर करती हूँ, कि हो सकता है किसी को चाहिए अगर तो ले सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए फिर आगे दिखाती हूँ मैं क्या 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 करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ली हूँ, और जैसे कि मैं बताई थी ना, खाना पीना खाने के बाद जो है मैं और सब लोग थोड़ा रेस्ट किए हैं। और उसके बाद जो है ना, मेरा छत पर जो डाली थी कपड़ा वगैरह धुल कर, तो जो मैं वॉशिंग मशीन में धोई थी ना, तो वो सारे कपड़े सूख गए थे, और जो हैंड वॉश की थी वो सब कुछ भी नहीं सूखा था। तो सबको मैं घर में डाल दी हूँ, और यहाँ पे जो सूख गया था वॉशिंग मशीन का, तो वो सब ले आई हूँ और सबको फोल्ड करके रख दे रही हूँ। और लाइट तो है ही नहीं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं पीछे मेरी लाइट नहीं है। और इस रूम में जो है इन्वर्टर यहाँ का, तो यहाँ पे जो है मैं सारा कपड़ा फोल्ड करके सोची हूँ पहले रख देती हूँ, उसके बाद जो है मैं लंच बनाऊँगी, सॉरी शाम का नाश्ता बनाऊँगी मैं। और ये जो शोकेस मैं ली हूँ ना, तो काफ़ी अच्छा रहता है। मैं तो यहीं पे फोल्ड करती हूँ और अपना सारा कपड़ा जो है इसी में लगा देती हूँ। और जैसे पहले था ना, कुछ मिलता नहीं था, मेरा ही नहीं मिलता रहता था, तो अब जो है ना सब अलग अलग डिवाइड करके रख दी हूँ ना, तो आराम से मिल जाता है। और कल जो है ना, मेरा कोई वीडियो नहीं पोस्ट हुआ था, क्योंकि इंदुमती का जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी। तो जब से मैं वीडियो बनाना शुरू की हूँ ना, स्टार्ट की हूँ ना, तब से मेरा फर्स्ट डे कल था कि मेरा कोई वीडियो नहीं आया है, मतलब कि मंगलवार को मेरा कोई वीडियो नहीं आया, क्योंकि सोमवार को जो है ना इंदुमती का तबीयत अच्छा नहीं था, इसकी वजह से मैं नहीं वीडियो बना पाई थी। और यहाँ पे जो है मेरा पूरा कपड़ा फोल्ड हो गया है, और ये है इंदुमती का रेड वाला फ्रॉक, जिसको हमेशा वो पहनती रहती है और डांस करती है, तो वो बस मैं हैंगर में लगा कर यहाँ रख दे रही हूँ। और देखिए लाइट आ गई है, तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने शाम का।
तो यहाँ पे जो है फ्रेंड मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने, और जब लाइट नहीं थी ना तभी मैं ये स्टफिंग बना ली थी। मैं सैंडविच बना रही हूँ आलू वाला, तो आलू जो है ना बॉयल करके मैं इसका स्टफिंग तैयार कर ली हूँ, जैसे सब लोग करते हैं ना, वो प्याज वगैरह डाल के। और मिर्ची मैं नहीं डाली थी क्योंकि बच्चे को भी खाना है तो उतना पसंद नहीं करते हैं हरी मिर्च, तो इसके वजह से। और यहाँ पर जो है मैं सोची कि अब पहले बच्चों को दे देती हूँ बनाकर। और अभी का जो समय है ना, तो सबके घर में लोग बीमार है, कुछ ना कुछ सबको हो रहा है। मेरे घर में भी इंदुमती का थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया, ऐसे बच्चे हैं तो हमेशा होता रहता है बच्चे को, लेकिन फिर भी आज के डेट में जो है ना सबका तबीयत ख़राब है, कुछ ना कुछ सबको हो रहा है। सो बड़ा अजीब सा ज़िंदगी हो गया है लोगों का, सभी का। सो यहाँ पे जो है ना मैं घी डाल दी हूँ, और घी में ही मैं सैंडविच बनाऊँगी। सॉरी, सो यहाँ पे कटिंग कर ली थी ना, तो फिर देखी कि लाला भी रामायण पढ़ते हैं ना, और शाम को मतलब दोपहर के बाद थोड़ा आराम करने के बाद वो रामायण पढ़ते हैं, तो उनका भी जो है ना अभी रामायण हो गया है, तो अब वो भी नाश्ता करेंगे, तो इसलिए फिर मैं उनके लिए भी कटिंग करके और बना रही हूँ सैंडविच। और लाला को भी ये सब चीज़ पसंद है, पता है जब घर में सबको पसंद होता है ना कोई भी चीज़, तो बनाने में भी अच्छा लगता है। नहीं तो अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो फिर उनके लिए मुझे अलग से बनाना पड़ता। जैसे कि माँ के लिए तो मैं बनाई ही हूँ, सूजी का उपमा बनाई हूँ नमक वाला, तो वो अपना कर चुके हैं नाश्ता, तो बस हम ही लोगों का बाकी है अभी शाम का नाश्ता। तो यहाँ पे पहले लाला को दे देती हूँ, उसके बाद जो है हम लोग भी कर लेंगे। सो और ये जो है ना मतलब ज़्यादा तेल नहीं लगता है ना, तो अच्छा लगता है खाने में, हमेशा ऑयली खाना नहीं अच्छा लगता है। पहले नाश्ता कर लो फिर खेलना। क्या बेटा? नहीं चॉकलेट नहीं खा रहा है ना, तबीयत खराब हो जाता है ना। चलो तुमने पहले बाबा को दिया था। और बस लाला का दे दी हूँ नाश्ता, और मैं भी बैठ गई हूँ बच्चों के साथ। और यहाँ पे जो है ना कामायनी अपने स्कूल की बातें कर रही हैं कि जब स्कूल जाया करती थी तो कितना अच्छा लगता था, अब तो बच्चे स्कूल के लिए भी तरस रहे हैं कि कब स्कूल खुलेगी। और यहाँ पे जो है मैं रात का खाना बनाने आ गई हूँ, और रात के खाने में जो है ना मैं बना रही हूँ करेला और प्याज का भुजिया, और दाल फ्राई बनाऊंगी, दाल को थोड़ा फ्राई कर दूंगी तो बच्चे जो है ना अच्छे से खा लेते हैं। और मैं ना बच्चों के लिए और अपने लिए कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जो सैंडविच के लिए मैं स्टफिंग बनाई थी ना आलू का चोखा, तो वो मेरे पास ज़्यादा ही था, तो वो थोड़ा सा बच गया है, तो वही खाऊँगी दाल भात और वो चोखा। मैं कमैनी नहीं था ये सब खा लूँगी। और यहाँ पर जो है लाला और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही अच्छा लगता है करेला का भुजिया, तो उन दोनों का फेवरेट है करेला का भुजिया, वो भी प्याज वाला, तो वो मैं बना रही हूँ। और माँ के लिए जो है ना परवल का सब्जी बना रही हूँ, जैसे बनाती हूँ सिंपल सा। तो बस हम लोगों का तो दिन ऐसे ही बीत रहा है फिलहाल, बस घर में रहती हूँ, काम करती हूँ सुबह से लेकर रात तक, रात से फिर सुबह तक काम ही काम, काम ही काम होता है। सो बस यही सब चल रहा है आजकल। तो यहाँ पे जो है ना मैं भुजिया पहले डाल दे रही हूँ बनने के लिए, और उस साइड जो माँ का सब्जी बना रही हूँ उस साइड, और बस यही सब है। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो उनको भी मैं नाश्ता दे दी हूँ, ब्रेड सैंडविच। और आजकल जो है ना लॉकडाउन की वजह से, अब तो हमारी लॉकडाउन लग गया है, तो मेरे हस्बैंड भी जल्दी ही आ जाते हैं, तो उनको भी मैं नाश्ता दे दी हूँ, और उसके बाद जो है सब्जी बन जाएगा ना माँ वाला, तो फिर मैं उधर चाय बनाऊँगी तो उनको भी दे दूंगी, थोड़ा सा मैं भी पीऊँगी साथ में चाय, क्योंकि कभी भी शाम में तो वो जल्दी नहीं आते हैं। बस यही पिछले साल भी मतलब कि कोरोना की वजह से ही लॉकडाउन हो गया था, तो जल्दी आ जाते थे शाम को, वरना तो कभी नहीं आते हैं। और फिर से वही हो गया है दिन हम लोगों का कि बस जल्दी आ जाना है बंद करके, पता नहीं कब ये सब ख़त्म होगा, कुछ समझ में नहीं आता है, और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है ये कोरोना। तो बस सब्जी में सॉरी भुजिया मेरा जो है ना हो गया था, तो मैं भी चाय पी ली हूँ। और इधर जो है ना भुजिया मतलब कम करके मैं अभी चला रही हूँ उसको, और इधर जो है ना चाय मेरा बन गया है, तो मैं रख दी हूँ चाय, अपना रखाई हूँ,
हस्बैंड के साथ रूम में ही पीऊँगी। तब तक मैं सोची ना कि यहाँ पे दाल जो फ्राई करना है ना तो वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी डाल दी हूँ और सूखी मिर्च थी मेरे पास वो डाली हूँ, थोड़ा लहसुन प्याज और क्या टमाटर मैं कट करके रखी हूँ। तो बस यही सबको भून कर और लगा दूँगी तड़का इसमें। और कभी कभी मैं बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं सिंपल ही दाल बनाती हूँ, बस कभी कभी जब कुछ मतलब सिंपल सब्जी या भुजिया होता है ना तब मैं दाल को ऐसे बनाती हूँ फ्राई करके, और नहीं तो ज़्यादातर मेरे घर में सिंपल ही दाल बनता है। तो यहाँ पे जो है ये सब पक गया है तो इसमें मैं डाल देती हूँ अब दाल। और आज क्या हुआ ना कि मेरे हस्बैंड भी सब्जी ले आए हैं और यहाँ पे जो है ना मेरे मोहल्ले में बिकने आता है सब्जी, तो माँ भी यहाँ पे ख़रीद ली थी कद्दू और दो, और मेरे हस्बैंड भी बहुत सारा सब्जी ले आए हैं, वो भी एक कद्दू ले आए हैं। सो बहुत ज़्यादा हो गया है मेरे घर में सब्जी सब्जी। सो यहाँ पे देखिए मेरा भुजिया भी लगभग होने ही वाला है अब, और यहाँ पे जो है दाल भी मेरा फ्राई हो गया है। तो बस यही सब है मेरा रात का खाना आज का, और चावल बनाऊँगी रोटी बनाऊँगी, बस ये दाल भी मेरा बन गया। बस आजकल का सबसे बड़ा काम सारे सब्जी को धो, तो यहाँ पे जो है ना सिंक मेरा खाली था तो मैं सोची पहले सब्जी धो लेती हूँ, नहीं तो फिर खाना पीना हो जाएगा ना तो फिर बर्तन इसमें आ जाएगा, तो इसकी वजह से। तो मेरा अभी रोटी बनाना बाकी है, बस सब्जी दाल ये सब सॉरी भुजिया दाल ये सब बन गया है मेरा। तो मैं यहाँ पे जो है ना सब्जी धो ले रही हूँ क्योंकि अभी सिंक खाली है। और यहाँ पे देखिए सब्जी मेरे पास जो है ना ये कद्दू तीन तीन हो गए हैं, दो माँ खरीद ली है, एक मेरे हस्बैंड भी खरीद कर लिया है, करेला है। और आजकल तो ऐसे भी थोड़ा ज़्यादा ही सब्जी खरीद आता है कि रोज़ रोज़ ना खरीदना पड़े, एक बार में ही मेरे हस्बैंड इतना सारा ले आते हैं, ताकि सबको धोकर रख लेती हूँ मैं फ्रिज में। तो यहाँ पे जो है ना भिंडी परवल करेला और क्या था खीरा था, तो यही सब था मेरे घर में सब्जी आया है। और यही सब तो बच्चे तो इतना खाना भी नहीं पसंद करते, हाँ भिंडी का सब्जी भुजिया खाते हैं। तो बस ये सबको जो है ना मैं अच्छे से पानी से धो दे रही हूँ और यहाँ पे जो है ना रख दूँगी, ताकि यहाँ पे अपना रात भर रहेगा सूख जाएगा, और फिर मैं सुबह में जो है ना सबको ठीक से रख दूँगी। और इसमें नेनुआ भी है तो ये भी ले आए हैं, और भी ज़्यादा ज़्यादा से ही है सब कुछ, तो ठीक है कुछ दिन तो चलेगा ज़रूर सब्जी, और दो तीन दिन तक तो कम से कम टेंशन नहीं रहेगा सब्जी का। सो ये था मेरा आज का वीडियो फ्रेंड्स, सो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलूँगी एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।